हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन लेक्चर। इस वीडियो लेक्चर में दोस्तों हम क्लास 12 दोस्तों मैथ के 5 नंबर चैप्टर दोस्तों डिफरेंशिएशन के दोस्तों महत्वपूर्ण फार्मूलों को बतलाऊंगा। दोस्तों अगर यहां से दोस्तों आप फार्मूला समझ लेते हो दोस्तों तो आपको डिफरेंशिएशन में दोस्तों किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों आप डिफरेंशिएशन बिल्कुल दोस्तों आसानी तरीके से कर सकते हो दोस्तों, ठीक है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले दोस्तों चैनल पर पहले बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया दोस्तों। इस चैनल के माध्यम से हम आपको ऑल सब्जेक्ट की तैयारी कराए दोस्तों, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया दोस्तों। साथ में दोस्तों प्लेलिस्ट मैंने मैथ का बना दिया दोस्तों, वहां से भी अध्ययन कर सकते हो। पहले इस वीडियो को दोस्तों देख लीजिए। अगर दोस्तों आप डिफरेंशिएशन पर कमांड बनाना चाहते हो दोस्तों तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं डिफरेंशिएशन के 21 महत्वपूर्ण फार्मूले को बतलाऊंगा। दोस्तों आपको रटना नहीं है दोस्तों, बिल्कुल आपको मैं आसान वे में बतलाऊंगा दोस्तों, बिल्कुल आपको समझ में आएगा दोस्तों, डिफरेंशिएशन आपको बिल्कुल आसान लगने लगेगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चल दोस्तों कहता है फर्स्ट नंबर दोस्तों फार्मूला कहता है कि दोस्तों डिफरेंशिएशन कांस्टेंट का क्या होता है। तो डिफरेंशिएशन दोस्तों कांस्टेंट का शून्य होता है। क्यों दोस्तों? तो डिफरेंशिएशन कांस्टेंट का शून्य इसीलिए होता है दोस्तों क्योंकि वो एक्स के सापेक्ष में करोगे दोस्तों, तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन दोस्तों अगर अचर रहेगा तो उसका दोस्तों डिफरेंशिएशन शून्य होगा, ठीक है दोस्तों। समझ में नहीं आया तो ध्यान दीजिए। यहाँ पर दोस्तों डिफरेंशिएशन मैं यहाँ कर रहा हूँ सिक्स का, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों डी एक्स एक्स के सापेक्ष करोगे दोस्तों तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन शून्य हो जाएगा। क्यों दोस्तों? एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं। अगर दोस्तों यहाँ पर दे दिया जाए साइन एक्स, ठीक है दोस्तों, अगर बाई डी एक्स दे दिया जाए, ठीक है दोस्तों, साइन एक्स बाई डी एक्स दे दिया जाए तो इसका दोस्तों अवकलन वन हो जाएगा। क्यों दोस्तों? कि एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं, एक्स के सापेक्ष दोस्तों डिफरेंशिएशन वन होता है, ठीक है। एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएशन एक्स का वन होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों कॉन्स्टेंट लिखा हुआ है, ठीक है, कॉन्स्टेंट लिखा हुआ है। दोस्तों कॉन्स्टेंट का अर्थ समझिए यहाँ पर क्या है। यहाँ पर अगर दोस्तों डी कॉस थीटा दे दिया जाए, डी कॉस थीटा बाई दोस्तों डी एक्स दे दिया जाए तो एक्स के सापेक्ष दोस्तों करोगे, एक्स के सापेक्ष करोगे तो इसका दोस्तों डिफरेंशिएशन शून्य होगा। अगर दोस्तों थीटा के अनुदिश दोस्तों आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो इसका दोस्तों वन आएगा। दोस्तों यानी कि संबंध रख रहा है दोस्तों कौन को, देखिए यहाँ पर डी एक्स नहीं दोस्तों डी थीटा, ठीक है, डी थीटा दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का दोस्तों वन हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर थीटा के सापेक्ष में। अगर एक्स के सापेक्ष में रहेगा दोस्तों, एक्स के सापेक्ष में, तो यहाँ पर दोस्तों हमारा डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा। क्यों दोस्तों? तो यहाँ पर कॉन्स्टेंट हो जाता है कॉस थीटा, ठीक है, एक्स के सापेक्ष में कॉन्स्टेंट हो जाता है कॉस थीटा, ठीक है। तो मैं बातों को दोस्तों समझ रहे होंगे। चलिए दोस्तों समझ में नहीं आया तो नेक्स्ट फार्मूला दोस्तों देखिए, बिल्कुल समझ में आएंगे। चलिए सेकंड नंबर दोस्तों फार्मूला कहता है कि एक्स के पावर एन बाई डी एक्स दोस्तों, ठीक है, डिफरेंशिएशन दोस्तों एक्स के पावर एन, यानी कि दोस्तों एन एक्स एन माइनस वन होता है दोस्तों इसका डिफरेंशिएशन। मान ली दोस्तों मैं यहाँ पर उदाहरण आपको सामने पेश कर रहा हूँ, एक्स के पावर दोस्तों फाइव रहेगा तो इसका आप डिफरेंशिएशन कैसे करोगे? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों एन, ये हमारा एन का काम कर रहा है, फाइव एन का काम कर रहा है, यहाँ पर दोस्तों एक्स तो दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों किस तरह से कीजिए, देखिए एन एक्स एक्स एन एक्स एन माइनस वन, यानी कि दोस्तों फाइव गुना एक्स हो जाएगा, यानी कि दोस्तों फाइव एक्स हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों, पावर में गुना कर दीजिए आधार से, ठीक है, तो 5x हो जाएंगे और पावर दोस्तों 5 माइनस वन, ठीक है, तो 5 माइनस वन यानी दोस्तों 4 हो जाएंगे, ठीक है, 5x के पावर दोस्तों क्या हो जाएंगे 4 हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएंगे 5x के पावर 4 हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर 5x के पावर 4 हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों, बिल्कुल आपको समझ में नहीं आया। चलिए एक और उदाहरण से दोस्तों हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर कोई संख्या x के पावर दोस्तों 9 है, ठीक है, तो इसका दोस्तों डिफरेंशिएशन कैसे होगा? तो यहाँ पर दोस्तों जो पावर है दोस्तों उसको आधार में गुना कीजिए, यानी कि 9x हो जाएगा। यहाँ तक दोस्तों समझ गए, देख सकते हो यहाँ पर यही फार्मूला मैं यूज कर रहा हूँ। और दोस्तों एन माइनस वन यानी कि 9 के पावर माइनस वन हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है, तो यानी कि 9x के पावर 8 हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएंगे 9x के पावर 8 हो जाएंगे दोस्तों, यानी कि इसका दोस्तों राइट आंसर 9x के पावर 8 हो जाएंगे। बिल्कुल आपका दोस्तों समझ में नहीं आया आया होगा दोस्तों, अगर समझ में नहीं तो दोस्तों कोशिश करनी समझने की, ठीक है। चल दोस्तों सेकंड के बाद दोस्तों थर्ड नंबर फार्मूला कहता है कि डी वन बाई रूट एक्स दोस्तों बाई डी एक्स का दोस्तों डिफरेंशिएशन मान वन माइनस टू एक्स बटे दोस्तों रूट अंडर एक्स होता है, ठीक है। अगर दोस्तों यहाँ पर बाटा में वन बटे रूट एक्स है, अगर दोस्तों सिर्फ रूट एक्स आएगा यानी कि दोस्तों इस तरह से, ठीक है, तो इसका दोस्तों सिंपल होगा टू वन बटे टू रूट एक्स हो जाएंगे दोस्तों। यह एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों 2021 के, देख लीजिएगा दोस्तों प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन दोस्तों उठा करके, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन में सॉल्व करूंगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो यहाँ पर इसका पावर क्या होता है दोस्तों, वन बटे टू होता है रूट का मतलब, ठीक है, तो इसका दोस्तों हल करोगे ना दोस्तों तो इसका जो राइट आंसर जो है दोस्तों यही आएंगे, ठीक है, क्या आएंगे दोस्तों, इसका इसी सूत्र पर दोस्तों आप हल करोगे तो यही इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों, यही फार्मूला पर दोस्तों यूज आप करोगे तो यही होगा, ठीक है। ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों फार्मूला है, ठीक है,
डिफ्रेंशिएशन का दोस्तों जार कह सकते हैं। मान लीजिए दोस्तों कि आपका डिफ्रेंशिएशन नहीं आ रहा, ठीक है दोस्तों, तो समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों कि यहाँ पर बिल्कुल दोस्तों ये सारा दोस्तों वीडियो लास्ट तक डिफ्रेंशिएशन दोस्तों आपके हाथ में होगा, बिल्कुल दोस्तों डिफ्रेंशिएशन कह सकते हो। चल दोस्तों चौथा नंबर दोस्तों फार्मूला कहता है कि डी सी यू यानी कि दोस्तों कॉन्स्टेंट है सी यहाँ पर दोस्तों क्या है हमारा कॉन्स्टेंट है यू यानी कि दोस्तों हमारा पद है यानी कि एक्स के जैसा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए कि मैं डी ले लिया यहाँ पर, ठीक है दोस्तों डी ले लिया, यहाँ पर दोस्तों फाइव ले लिए फाइव और एक्स दोस्तों डी एक्स, ठीक है दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो फाइव दोस्तों हमारा कॉन्स्टेंट हो रहा है। क्या हो रहा है फाइव दोस्तों कॉन्स्टेंट है, ध्यान समझिए डी फाइव एक्स बटे दोस्तों डी एक्स, यहाँ पर दोस्तों फाइव हमारा कॉन्स्टेंट है, ठीक है कॉन्स्टेंट हो जाएगा दोस्तों फाइव, तो फाइव को हम बाहर करेंगे, क्या करेंगे दोस्तों देख सकते हो कॉन्स्टेंट को यहाँ बाहर किया गया है, क्या किया गया दोस्तों बाहर किया गया देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। तो कॉन्स्टेंट को मैं दोस्तों बाहर कर गया, तो कॉन्स्टेंट मैंने कैसे पहचानूं दोस्तों कॉन्स्टेंट कौन है, तो ध्यान दीजिए कॉन्स्टेंट को दोस्तों पहचानने का एक ट्रिक है, यहाँ पर दोस्तों डी एक्स एक्स के सापेक्ष में है, ठीक है दोस्तों एक्स के सापेक्ष में है, ठीक है। तो फाइव का दोस्तों अब इसका बाहर करोगे, ठीक है, तो डिफ्रेंशिएशन दोस्तों फाइव बाहर आएंगे, ठीक है, तो एक्स दोस्तों हो जाएंगे, तो एक्स के सापेक्ष देखो दोस्तों तो एक्स रहेगा, ठीक है। तो यानी कि दोस्तों यहाँ पर फाइव हमारा कॉन्स्टेंट पथ हो जाएगा, ठीक है, तो इससे दोस्तों बाहर करेंगे तो dx बाय दोस्तों dx, ठीक है, यानी दोस्तों dx बटा dx का अवकलन दोस्तों वन होता है, क्यों, तो इसका दोस्तों वन हो जाएगा, इसका फाइव हो जाएगा वन से गुना करके, तो क्यों होता है दोस्तों डिफ्रेंशिएशन x के सापेक्ष डिफ्रेंशिएशन x का वन दोस्तों क्यों होता है, तो ध्यान से समझिए दोस्तों, ठीक है दोस्तों। इस फॉर्मूला पर दोस्तों यूज करके मैं दिखला देता हूं दोस्तों एक्स के सापेक्ष दोस्तों अवकलन वन क्यों होता है, तो देखिए दोस्तों एक्स का दोस्तों अवकलन करोगे तो एक्स यानी कि दोस्तों एक्स माइनस वन हो जाएंगे, ठीक है, एक माइनस वन हो जाएंगे दोस्तों यानी कि एक्स के पावर जीरो है, यानी कि दोस्तों इसका वन होता है, मान क्या होता है एक्स के पावर जीरो यार के दोस्तों वन होता है, ठीक है। तो आपको बिल्कुल दोस्तों समझ में आ गया होगा एक्स के सापेक्ष दोस्तों एक्स का अवकलन वन होता है, ठीक है दोस्तों। चलिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों अब यहाँ पर दोस्तों फॉर्मूला आता है, ठीक है। चलिए दोस्तों साइन एक्स का दोस्तों अवकलन क्या होता है, तो कॉस एक्स होता है, ठीक है। साइन एक्स का दोस्तों अवकलन क्या होता है, तो कॉस एक्स होता है दोस्तों, ठीक है। तो फाइव का क्या हो जाएंगे, कॉस एक्स हो जाएंगे दोस्तों साइन एक्स का अवकलन, साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए कॉस एक्स का पूछेगा, कॉस एक्स का दोस्तों डिफ्रेंशिएशन पूछेगा, तो मेरा दोस्तों साइन एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा sin x हो जाएगा दोस्तों cos x का डिफरेंशिएशन, cos x का दोस्तों डिफरेंशिएशन माइनस sin x हो जाएगा। अगर दोस्तों sin x का डिफरेंशिएशन पूछेगा तो cos x हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोस्तों दो कंडीशन याद रखिएगा, साइन में दोस्तों साइन का डिफरेंशिएशन करोगे तो कॉस आएगा, ठीक है, और कॉस का पूछेगा तो साइन माइनस साइन आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों दो कंडीशन को याद रखना है, ठीक है। तो चल दोस्तों नेक्स्ट फॉर्मूला दोस्तों सेवन नंबर कहता है कि टेन एक्स का अवकलन, तो दोस्तों टेन एक्स का दोस्तों जो अवकलन होता है वो सेक स्क्वायर होता है, ठीक है। टेन एक्स का दोस्तों अवकलन सेक स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स होता है दोस्तों किसका अवकलन, तो यहाँ पर दोस्तों टेन एक्स का डिफरेंस है दोस्तों सेक स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट दोस्तों फॉर्मूला कहता है कॉट एक्स, तो कॉट एक्स का दोस्तों याद रखिए कॉट एक्स का दोस्तों जो डिफरेंशिएशन होता है दोस्तों एक्स के सापेक्ष वो माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है दोस्तों, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है दोस्तों। ये सारा फॉर्मूला दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे दोस्तों याद रखे हो तो बिल्कुल डिफरेंशिएशन पर दोस्तों कमांड बना सकते हो, अगर डिफरेंशिएशन पर कमांड होगा दोस्तों तो इंटीग्रेशन दोस्तों बिल्कुल आपको आसान लगेगी, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों कॉट एक्स का दोस्तों डिफरेंशिएशन माइनस टेन एक्स हो जाएगा, अगर दोस्तों वीडियो लास्ट तक देखते हो तो बिल्कुल आपको डिफरेंशिएशन बिल्कुल दोस्तों कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर हो गया। सब लोग दोस्तों लाइव चैट में कमेंट करेंगे, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर सब लोग फॉर्मूलों को, ठीक है। तो डी कॉसेक्स डी एक्स का दोस्तों अवकलन माइनस कॉटेक्स इंटू कॉटेक्स होता है, ठीक है, माइनस कॉसेक इंटू कॉसेक होता है दोस्तों, ठीक है, कॉटेक्स होता है, ठीक है। इसका दोस्तों डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस कॉसेक इंटू कॉटेक्स होता है, ठीक है दोस्तों। इसका सही आंसर क्या होता है, ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन है यहाँ पर दोस्तों, आंसर हो जाएगा माइनस कॉसेक्स इंटू कॉटेक्स होता है दोस्तों, किसका डिफरेंशिएशन, तो कॉसेक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक इंटू कॉटेक्स होता है, ठीक है। तो ध्यान रखेगा दोस्तों ये नाइन नंबर फॉर्मूला भी दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। चल दोस्तों टेन नंबर दोस्तों फॉर्मूला कहता है सेक एक्स का दोस्तों डिफरेंशिएशन सेक इंटू टेन एक्स होता है, सेक एक इंटू tan x दोस्तों किसका फार्मूला होता है, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा sec x * tan x दोस्तों sec x का फार्मूला होता है, sec x का दोस्तों फार्मूला याद रखिएगा sec x * tan x होता है। ये दोस्तों याद रखते हो तो बिल्कुल दोस्तों कमांड नहीं दोस्तों महारत हासिल कर सकते हो, ठीक है। तो चल दोस्तों 10 नंबर दोस्तों यहां के दोस्तों 11 फार्मूले और हैं, यहां से दोस्तों देख लीजिए लास्ट तक वीडियो को, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट फार्मूला कहता है दोस्तों ध्यान से समझिए यह फार्मूला, डी
साइन एक्स साइन इनवर्स एक्स डी साइन इनवर्स बाय दोस्तों डी एक्स, इसका दोस्तों जो फार्मूला हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन नंबर दोस्तों नहीं होंगे, यहाँ पर वन बटे अंडर रूट वन का स्क्वायर दोस्तों माइनस एक्स का स्क्वायर दोस्तों, ये डिफ्रेंशिएशन किसका है तो साइन इनवर्स एक्स का, साइन इनवर्स एक्स का दोस्तों डिफ्रेंशिएशन दोस्तों क्या होता है वन बटे के रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है वन माइनस एक्स स्क्वायर दोस्तों, यानी कि दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफ्रेंशिएशन है, ठीक है। अगर दोस्तों कॉस का पूछेगा, ठीक है डी कॉस का दोस्तों आपको पूछेगा, कॉस का दोस्तों डिफ्रेंशिएशन पूछेगा तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, साइन का याद हो गया एक पर एक फ्री याद है क्या, एक पर एक फ्री है दोस्तों, ठीक है। अगर साइन का याद रखते हो तो कॉस का वही होगा दोस्तों, लेकिन माइनस लग जाएगा ऊपर में दोस्तों, क्या लग जाएगा माइनस लग जाएगा दोस्तों, बाकी वही सब है, ठीक है दोस्तों बाकी सब वही है, ठीक है दोस्तों, खाली माइनस लग जाता है कॉस में, याद है दोस्तों एक पर एक फ्री यहाँ पर दोस्तों मिल रहा है वन ऑफ वन फ्री दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, साइन का याद होगा तो कॉस का याद होगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों खाली कॉस में माइनस ऊपर में देना है, ठीक है माइनस से खाली गुना करना है दोस्तों, बाकी सब वही है दोस्तों, देख सकते हो, ठीक है। अंडर रूट दोस्तों माइनस वन बटे अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों आपको बिल्कुल कंप्लीट कर देना है, तभी डिफरेंस पर दोस्तों महारत हासिल कर सकते हो। चल दोस्तों नेक्स्ट दोस्तों फॉर्मूला कहता है मेरा 13 नंबर, देख सकते हो सेक इनवर्स एक्स, अगर दोस्तों इसका याद करते हो तो कॉसेक इनवर्स एक्स का याद हो जाएगा, अगर दोस्तों आप सेक इनवर्स का दोस्तों डिफरेंशिएशन याद रखोगे तो कॉसेक इनवर्स एक्स का दोस्तों आपको डिफरेंशिएशन याद हो जाएगा, ठीक है। कॉसेक इनवर्स का हो जाएगा तो दोस्तों सेक इनवर्स का डिफरेंशिएशन दोस्तों क्या होता है तो ध्यान से दीजिए, वन बटे दोस्तों होता है एक्स रूट रूट दोस्तों एक्स स्क्वायर माइनस वन होता है दोस्तों, किसका डिफरेंशिएशन तो सेक इनवर्स एक्स का होता है, सेक इनवर्स एक्स का दोस्तों डिफरेंशिएशन वन बटे एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन होता है दोस्तों, किसका डिफरेंशिएशन तो सेक इनवर्स एक्स का। और यहाँ पर दोस्तों ध्यान देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर कॉसेक इनवर्स एक्स में कुछ नहीं करना दोस्तों, बस आपको दोस्तों माइनस का गुना कर देना है, माइनस का गुना कर देना दोस्तों, बाकी सभी वही कंडीशन है, ठीक है दोस्तों। तो सेक का याद रखोगे तो कॉसेक का याद आएगा, साइन का रखोगे तो कॉस का याद आएगा, ठीक है दोस्तों। ये दोस्तों चार फॉर्मूला बिल्कुल आपको कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर हो गएंगे। चल दोस्तों टैन इनवर्स का याद करोगे तो दोस्तों कॉट इनवर्स का मान निकलेगा, ठीक है दोस्तों। टैन इनवर्स का याद करोगे तो खाली दोस्तों माइनस का गुना कर देना है कॉट इनवर्स एक्स में, किसका गुना कर देना दोस्तों कॉट एक्स इनवर्स का गुना कर देना, यानी दोस्तों 1 बटे एक्स स्क्वायर दोस्तों या किसका हो जाएंगे कॉट इनवर्स एक्स का हो जाएंगे दोस्तों। लेकिन टैन इनवर्स का दोस्तों याद रखिएगा 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर दोस्तों या टैन इनवर्स का होता है, अगर कॉट इनवर्स पूछेगा तो दोस्तों माइनस का लगा देना, ठीक है माइनस का गुना कर देना, ठीक है दोस्तों। ये दोस्तों ये भी दोनों कंप्लीट हो गए तो बहुत अच्छा दोस्तों, आप बिल्कुल एकदम कॉन्सेप्ट के साथ दोस्तों आ रहे हो। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों फॉर्मूला कहता है मेरे दोस्तों लॉग एक्स, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ये डिफरेंस है, सारा क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। वन बटे एक्स होता है दोस्तों लॉग एक्स का, लॉग एक्स का दोस्तों डिफरेंशिएशन वन बटे एक्स होता है। अगर दोस्तों ये सारा फॉर्मूला याद रखो दोस्तों तो बिल्कुल इंटीग्रेशन को दोस्तों आप धज्जियां उड़ा दोगे दोस्तों बना बना करके, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों लॉग एक्स का दोस्तों हमारा डिफरेंशिएशन वन बटे एक्स होता है, लॉग एक्स का दोस्तों डिफरेंशिएशन क्या होता है तो वन बटे एक्स से याद रखेगा, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन वन बटे एक्स होता है। चलो दोस्तों मोस्ट क्वेश्चन अब आता है, कहता है दोस्तों कि डी डी ए का पावर एक्स बता दोस्तों डी एक्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों फॉर्मूला है, ये दोस्तों एक नंबर या दो नंबर दोस्तों ध्यान रखेगा दोस्तों आपको एग्जाम में बिल्कुल क्लियर है। ये सारा क्वेश्चन फॉर्मूला से दोस्तों एक दो तीन नंबर का दोस्तों पक्का क्वेश्चन आता है, ठीक है दोस्तों। इस बार दोस्तों दोगुने विकल्प रहेंगे, यानी कि दोस्तों 90 नंबर के, यानी कि दोस्तों खाली दोस्तों आपको दोस्तों कैलकुलस से सवाल देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो कैलकुलस दोस्तों मजबूत करोगे तो मार्च में दोस्तों बादशाह बन जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों डी के पावर सॉरी डी ए के पावर एक्स का दोस्तों डिफरेंशिएशन पूछा, तो ध्यान रखें दोस्तों ए एक्स लॉग ए होता है दोस्तों, ठीक है ए एक्स लॉग ए होता है दोस्तों। मान लीजिए मैं दोस्तों एक एग्जांपल लेता हूं, 5 का पावर दोस्तों एक्स आएगा तो इसका दोस्तों देखिए आंसर क्या होगा, ठीक है 5 लिख देंगे दोस्तों, ज्यो का त्यों लिख देंगे और बाटा ऊपर में पावर दोस्तों एक्स लिख देंगे, फिर दोस्तों लॉग लिखेंगे एल ओ जी लॉग लिखेंगे और दोस्तों ए दिया यानी कि दोस्तों 5 लिख दोगे, बस दोस्तों यही इसका राइट आंसर दोस्तों। एक नंबर यहां पर से चोरी कर सकते हो दोस्तों, चोरी कर सकते हो दोस्तों, देख सकते हो इस तरह का दोस्तों क्वेश्चन इस बार आया एग्जाम में, देख लीजिएगा दोस्तों प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन यानी कि इस साल का क्वेश्चन दोस्तों उठा लीजिए और देख लीजिए दोस्तों, एक नंबर पक्का यहाँ से दोस्तों आपको कंप्लीट हो गए दोस्तों। एक नंबर नहीं दोस्तों, ये पूरा वीडियो देख लो तो दोस्तों समझे डिफरेंशिएशन में दोस्तों आप दोस्तों दम कवार सकते हो दोस्तों, नंबर बिल्कुल दम अच्छे नंबर दोस्तों ला सकते हो डिफरेंशिएशन से। अगर दोस्तों डिफरेंशिएशन मजबूत है तो कैलकुलस में दोस्तों आप महारत हासिल कर सकते हो, मैं बार बार बोल रहा हूं, ठीक है। तो चलो दोस्तों डी ई एक्स के पावर दोस्तों इसका अवकलन या समाकलन दोस्तों ई का पावर एक्स ही होता है, समाकलन भी छोड़िए दोस्तों ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन दोस्तों ई के पावर एक्स ही होता है दोस्तों, आप इतना याद रखिएगा ई के पावर एक्स का दोस्तों डिफरेंशिएशन ई के पावर एक्स ही होता है, ई के पावर एक्स का दोस्तों डिफरेंशिएशन ई के पावर एक्स ही होता है दोस्तों। और लास्ट में दोस्तों मैं ऑब्जेक्टिव भी कराऊंगा, ठीक है दोस्तों इसी वीडियो में, ठीक है। चलिए दोस्तों, या दोस्तों मेरा कितना नंबर,
इधर दोस्तों 19 नंबर था, चले 20 नंबर दोस्तों फार्मूला का था, यह दोस्तों यू इंटू वी पर है दोस्तों, ठीक है साइन एक्स का दोस्तों इस तरह का रहेगा, ठीक है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का दोस्तों यह इस तरह का दोस्तों डिफ्रेंशिएशन करने वाला यह फार्मूला है, ठीक है ये वाला फार्मूला दोस्तों, ठीक है कहता है दोस्तों कि भी लिखो और डी यू का अवकलन करो, यू भी का दोस्तों अवकलन कर रहा है, डी यू यू इंटू भी ध्यान समझिए ध्यान दीजिएगा डी एक्स यह दोस्तों अवकलन इसका पूछेगा, तो यू भी को लिखना है, भी को लिखना है और यू को अवकलन करना है, यू को अवकलन करना है, फिर दोस्तों प्लस का चिन्ह देना है, फिर यू को लिखना है, फिर भी को डिफ्रेंशिएशन करना है, ठीक है और बाटा दोस्तों डी एक्स दोनों का डी एक्स दोस्तों बाटा में करना है, ठीक है तो आपको बिल्कुल दोस्तों समाज में आगे दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट सारा फार्मूला है, एक भी फार्मूला का दोस्तों नजरअंदाज नहीं कीजिएगा दोस्तों कैलकुलस में दोस्तों महारत हासिल करना चाहते हो तो। चल दोस्तों नेक्स्ट फार्मूला दोस्तों का समय का लास्ट फार्मूला दोस्तों, इसके बाद मैं दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा आपका दोस्तों टेस्ट लूंगा, सभी लोग लाइव चैट में आंसर कमेंट कीजिएगा, ठीक है दोस्तों चले यू बटा भी यानी कि दोस्तों साइन एक्स बटा दोस्तों रहेगा, मान लीजिए यहाँ पर दोस्तों आपका रहेगा एक्स साइन एक्स बटा एक्स रहेगा, तो इसी पर दोस्तों यह क्या है फार्मूला दोस्तों इसी पर यूज होगा, ठीक है दोस्तों क्या कहता है तो ध्यान समझिए, भेग को लिख को यू का अवकलन करो, भेग का लिख को यू का अवकलन करो और दोस्तों माइनस यू को लिख को भी का अवकलन करो, यू को लिखो और भी का अवकलन लिखो अब दोस्तों बाटा में भी स्क्वायर कर दो, ठीक है ये दोस्तों डिफ्रेंशिएशन कितना किसका हो गए तो यू बटे भी का डिफ्रेंशिएशन हो गया, ठीक है दोस्तों चलिए दोस्तों हमने नेक्स्ट अब दोस्तों टॉपिक पर आते हैं दोस्तों, देखिए यहाँ पर टॉपिक का था दोस्तों आपका डिफ्रेंशिएशन पूछा, सब लोग दोस्तों लाइव चैट में इसका आंसर कमेंट कीजिए, अब साइन एक्स का दोस्तों डिफ्रेंशिएशन पूछा है, साइन एक्स का दोस्तों डिफ्रेंशिएशन पूछ रहा है तो सब लोग दोस्तों आंसर कमेंट किए, साइन एक्स का दोस्तों डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया तो मैंने दोस्तों बताया था साइन एक्स का दोस्तों डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स होता है, लेकिन दोस्तों कॉस एक्स का पूछेगा डिफ्रेंशिएशन तो माइनस साइन एक्स हो जाएंगे, माइनस साइन एक्स हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर मेरा कह रहा है दोस्तों साइन एक्स का, तो ध्यान रखें दोस्तों साइन एक्स का मेरा डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स होता है, क्या होता है दोस्तों कॉस एक्स होता है दोस्तों साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन, ठीक है दोस्तों सब लोग लाइव चैट में ऐसे ही आंसर कमेंट करते रहेगा दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहा था टेन एक्स का दोस्तों डिफ्रेंशिएशन कर रहा, ठीक है तो सब लोग दोस्तों कमेंट कीजिए तो दोस्तों टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, तो दोस्तों मैंने बताया टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है, सेक स्क्वायर एक्स दोस्तों किसका डिफ्रेंशिएशन होता है तो टेन एक्स का दोस्तों डिफ्रेंशिएशन हमारा दोस्तों क्या होता है तो सेक स्क्वायर एक्स दोस्तों किसका डिफ्रेंशिएशन होता है तो याद है क्या दोस्तों टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है, ठीक है दोस्तों बिल्कुल आपको समझ में आ रहा है दोस्तों, अगर समझ में नहीं दोस्तों समझने की कोशिश कीजिए, अगर दोस्तों आपका डिफ्रेंशिएशन मजबूत ना होगा दोस्तों तो आप मैथ में दोस्तों दोस्तों महारत हासिल नहीं कर सकते हो, चलिए दोस्तों सेक एक्स का दोस्तों अवकलन कर रहा है, सेक एक्स का अवकलन हो रहा है दोस्तों तो सेक एक्स का दोस्तों अवकलन सेक एक इंटू टेन एक्स होता है, सेक एक्स का अवकलन सेक एक इंटू टेन एक्स होता है, सेक एक इंटू टेन एक्स दोस्तों सेक एक्स का अवकलन होता है, सेक एक इंटू टेन एक्स दोस्तों किसका अवकलन होता है सभी लोग दोस्तों बोलिए तभी याद होंगे, साइन एक्स इंटू टेन एक्स लाइव चैट में दोस्तों आंसर कमेंट कीजिए तभी दोस्तों याद होंगे, सेक एक्स का अवकलन दोस्तों सेक एक इंटू टेन एक्स होता है ध्यान रखिएगा, चलो दोस्तों अब आता है डी कॉस इनवर्स एक्स का दोस्तों फार्मूला, डी कॉस इनवर्स का दोस्तों तो मैंने दोस्तों बताया कि साइन इनवर्स एक्स का याद है तो कॉस इनवर्स अपने या प्रूफ याद हो चुका, तो पहले साइन का लिखिए दोस्तों साइन का आप सभी लोग जानते हो याद हो गए आप सभी लोग वन का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, लेकिन दोस्तों साइन का दोस्तों ये हुआ ये साइन का हुआ ठीक है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर मेरा पूछ रहा है कॉस का तो मैंने बताया दोस्तों एक पर एक फ्री अर्थात दोस्तों साइन का याद होगा तो कॉस का याद होगा, बस अतः कॉस में कुछ परिवर्तन करना होता है दोस्तों वो माइनस का करना होता है, यार दोस्तों माइनस लगा दोगे दोस्तों तो या किसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा तो कॉस एक्स का हो जाएगा, ठीक है तो दोस्तों बिल्कुल आपको समझ में आ रहे होंगे दोस्तों एक पर एक फ्री का दोस्तों यही आपको लाभ मिलता है, चल दोस्तों नेक्स्ट फॉर्मूला कहता है दोस्तों कितना फाइव नंबर, ठीक है दोस्तों ये ऑब्जेक्टिव का फॉर्मूला दोस्तों चल रहा है, ठीक है मैंने दोस्तों ये कैश फॉर्मूला आपको बता दिया दोस्तों आपका टेस्ट चल रहा है, ठीक है दोस्तों क्या चल रहा है टेस्ट चल रहा है, चलिए कॉसेक इनवर्स दोस्तों कॉसेक इनवर्स का दोस्तों पूछा, ठीक है तो सेक इनवर्स का याद हो तो कॉसेक इनवर्स अपरूप याद हो जाएगा, तो कॉसेक इनवर्स का पूछा दोस्तों तो पहले कॉस का लिख लेते दोस्तों यहाँ पर देखिए कॉस का नहीं सेक का दोस्तों होता है ये, ठीक है सेक का दोस्तों कॉसेक का होता है, ठीक है तो ध्यान रखिएगा दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो कॉसेक का पहले मैं नहीं लिख रहा हूँ मैंने सेक का लिख रहा हूँ, ठीक है तो एक रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन होता है दोस्तों या किसका होता है सेक का होता है, अगर दोस्तों सेक का याद है तो कॉसेक का बिल्कुल याद हो जाएगा, लेकिन इसमें माइनस जोड़ना पड़ेगा, क्या जोड़ना पड़ेगा दोस्तों माइनस जोड़ना पड़ेगा, बस अतः दोस्तों यह किसका हो गया तो कॉसेक इनवर्स एक्स का हो गया, ठीक है दोस्तों बिल्कुल याद हो जाएगा दोस्तों एक बार और दोस्तों सब लोग स्क्रीन शॉट के दोस्तों लेकर के या तो याद कर लीजिएगा दोस्तों मैं फिर डिफ्रेंशिएशन का दोस्तों ऑब्जेक्ट क्वेश्चन का सीरीज लाऊंगा दोस्तों ताकि दोस्तों आपको मैथ की तैयारी दोस्तों जबरदस्त तरीके से मैं करा सकूं।
चल दोस्तों, एक पावर एक्स, ठीक है दोस्तों, इसका दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था, इस पर एक उदाहरण भी बताया था, एक पावर एक्स लॉग ए होता है, ठीक है दोस्तों। इस बार के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है इस पर एक क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। यानी कि दोस्तों एक पावर एक्स का दोस्तों डिफरेंशिएशन एक पावर एक्स लॉग ए होता है। फिर मैं दोस्तों यहाँ पर एक उदाहरण दे रहा हूँ दोस्तों, ताकि आपको याद हो जाए फार्मूला, क्या होता है दोस्तों, याद हो जाए आपको फार्मूला। तो फार मान लीजिए आपको देते हैं मैं दोस्तों यहाँ पर 3x, 3 का पावर x देता हूँ, तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएंगे, क्या होंगे दोस्तों, फार्मूला सब लोग जानते होंगे, 3 के पावर ax log 3 हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है, यही दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चल दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, 7 नंबर कहता है दोस्तों 5x, यहाँ पर दोस्तों देखिए कॉन्स्टेंट है, क्या दोस्तों कॉन्स्टेंट है, क्यों दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन 1 होता है। यह पर दोस्तों मैंने कैसे समझा था कि ये दोस्तों यहाँ पर x है तो x कॉन्स्टेंट नहीं हो सकता है, क्योंकि x के सापेक्ष x का अवकलन 1 होता है, ठीक है दोस्तों, क्यों होता है, तो यहाँ पर दोस्तों ध्यान से समझा देता हूँ एक बार और, ठीक है दोस्तों, 1 - 1 यहाँ दोस्तों समझे, यहाँ दोस्तों एन एक्स का पावर दोस्तों फार्मूला मैंने बताया था, ठीक है दोस्तों, क्या फार्मूला बताया था, एन एक्स के पावर एन माइनस 1 होता है, ठीक है, एन एक्स के पावर एन माइनस 1 दोस्तों एक्स के पावर एन बराबर होता है, एक्स के पावर एन बराबर होता है दोस्तों, ये फार्मूला, उसी फार्मूला पर दोस्तों करोगे तो दोस्तों एक्स का 1 - 1 होगा दोस्तों 1 - 1, यानी कि दोस्तों एक्स के पावर 0 यानी कि दोस्तों 1 होता है, ठीक है, इसका मान 1 होता है, एक्स के पावर दोस्तों 0 बराबर, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर दीजिए ध्यान, यहाँ पर दोस्तों 5x बोल रहे थे, 5x कॉन्स्टेंट होने का, तो 5 को बाहर करेंगे और दोस्तों डी बाई डी एक्स लिखेंगे, dx लिखेंगे दोस्तों, और डी एक्स का दोस्तों अवकलन 1 होता है, डी के एक्स के सापेक्ष अवकलन दोस्तों डी एक्स का क्या होता है, तो 1 होता है, तो 5 × 1 करो दोस्तों तो 5 राइट आंसर आ जाएंगे, ठीक है दोस्तों, 5 राइट आंसर आ जाएंगे। चल दोस्तों कॉन्स्टेंट का आप सब लोग जानते होंगे, कॉन्स्टेंट का दोस्तों एक्स के सापेक्ष दोस्तों क्या होता है अवकलन, तो 0 होता है, तो यहाँ पर दोस्तों कॉन्स्टेंट मेरा 6 है, एक्स के सापेक्ष दोस्तों 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा दोस्तों, आपको बिल्कुल दोस्तों समझ में आ जाएगा, दोस्तों समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को एक बार और देख लीजिएगा, बिल्कुल दोस्तों समझ में आ जाएंगे। अब दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, आप सब लोग कौन कौन सही करते हो। यह दोस्तों कहता है ठीठा का दोस्तों आप कलन करें, किसके सापेक्ष, तो ठीठा के सापेक्ष, ठीक ठाक के सापेक्ष आप कलन करें। सब लोग लाइव चैट में आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों, 1 होगा कि 0 होगा, लाइव चैट में आंसर कमेंट कीजिए, 1 होगा या 0 होगा दोस्तों, ठीक ठाक के सापेक्ष, जब दोस्तों एक्स का एक्स के सापेक्ष आप कलन करते हैं दोस्तों, तब मेरा क्या आता है, तो 1 आता है, तो ठीक ठाक के सापेक्ष करेंगे तो यह भी दोस्तों 1 आएगा, क्या आएगा दोस्तों, 1 आएगा दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब दोस्तों ठीक ठाक का सापेक्ष करेंगे तो 1 आएगा। अगर दोस्तों मान लीजिए dz हो जाएगा दोस्तों, dz के सापेक्ष करोगे तो भी इसका दोस्तों 1 आएगा, क्यों दोस्तों, यहाँ पर कॉन्स्टेंट नाम का शब्द ही नहीं है, क्योंकि दोस्तों z के सापेक्ष करोगे दोस्तों तो 1 आएगा, ठीक है दोस्तों। अगर दोस्तों वीडियो आपको बिल्कुल पसंद आएगा दोस्तों, मुझे पूरा भरोसा, आप वीडियो को शेयर भी करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और एक प्यारा सा दोस्तों कमेंट भी करेंगे, ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, और नेक्स्ट वीडियो दोस्तों याद रखिएगा, मेरा दोस्तों मैथ का वीडियो आएगा दोस्तों, डिफरेंशिएशन का आएगा दोस्तों, या तो फार्मूला का ही दोस्तों वीडियो आएगा, ठीक है दोस्तों, मैं फार्मूला पर दोस्तों कमांड बना करके आपको डिफरेंशिएशन में दोस्तों ऐसा दोस्तों दाखिला करूंगा दोस्तों कि एकदम बिल्कुल दोस्तों आपको डिफरेंशिएशन दोस्तों आपके कब्जे में होगा दोस्तों, यानी कि दोस्तों डिफरेंशिएशन का दोस्तों कैलकुलस मजबूत हो जाएंगे, तो बिल्कुल दोस्तों मैथ में दोस्तों आप दम बिल्कुल दोस्तों 19+ दम बिल्कुल कर सकते हो दोस्तों, कोई दोस्तों यहाँ पर फेक न्यूज नहीं दोस्तों, बिल्कुल दम कर सकते हो, इसमें दोस्तों कोई बुराई की बात नहीं है। फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जय हिंद, वंदे मातरम।